हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल माय यूट्यूब चैनल श्री बालाजटेक। सो गाइस, जैसे कि आपको पता होगा आरआरबी एनटीपीसी का जो यहाँ पे कई सारे पोस्टों के जो वैकेंसी आई हुई है, तो उसका जो फॉर्म अप्लाई कैसे हो, उसके लिए मैंने वीडियो बना दिए है। उसके बाद कई लोगों का ये क्यूरी था कि उनकी जो सैलरी होती है, जितनी पोस्ट है पोस्ट वाइज कितनी किसकी सैलरी है, और फाइनली ओवर टाइम वगैरह लेकर के हर एक चीज लेकर के, जैसे एनपीएस वगैरह कट कट रहा है, या तो आपको जितने भी वहाँ पे अलाउंस मिल है उसको लेकर के आपकी कितनी सैलरी टोटल बन सकती है हर एक पोस्ट के। चलिए आज हम आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं रतन राज और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्री बालाजी टेक में। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, कृपया इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आप हमारी सारी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट पर मिलती रहे। सो गाइस, चलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनके बेसिक पे। सो गाइस, जो चीफ कमिश्नर टिकट कम सुपरवाइजर है, इनका जो बेसिक पे है ये इनका 35,400 रुपए है, जो ग्रेड पे है 4,200 ग्रेड पे भी है। सो गाइस, चलिए हम स्टेप बाय स्टेप पहले बेसिक पे बता देते हैं आपको, उसके बाद हम आपको बताएंगे इसमें कितना अलाउंस है, किसको कितने यहाँ पे जो पैसे डिडक्शन होते हैं वो कितना होता है, फाइनली इन हैंड सैलरी कितनी मिलती है, ओवर टाइम कितना होता है। सो गाइस, सबसे पहले बेसिक पे हम जान लेते हैं। गाइस, जो पहला है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, इसका 35,400 है। और गाइस, बिल्कुल इसी प्रकार से स्टेशन मास्टर का भी 35,400 जो इसका बेसिक पे है। और गाइस, जो गुड्स एंड ट्रेड मैनेजर का, इसका 29,000 यहाँ पे 29,200 रुपए है। और जो जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है, इसका जो बेसिक पे 29,200 इसका भी है। और जो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसका 29,200 रुपए इसका भी है। सुबह चलिए हम बात कर लेते हैं कि इनका जितना है यहाँ प्रोविडेंट फंड वगैरह होता है, जो एनपीएस वगैरह, जो न्यू पेंशन सिस्टम जो है, जिसमें इनका कितना कैसे कटता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। जो इन हैंड सैलरी कितना मिल सकती है, सुबह सबसे पहले हम बात करते हैं सैलरी, उसके बाद हम बात करेंगे ओवर टाइम के। सुबह सैलरी में सबसे पहले आते हैं, तो हम यहाँ पे सबसे पहले अपना सब शुरू आते हैं और यहाँ देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे पूरा नोट्स बना के आपके लिए रखा हुआ है। सुबह देखिए, जो सैलरी है ग्रॉस सैलरी 80,000 रुपए तक मिल सकती है। आप बोलेंगे 80,000 रुपए तक, तो हम चलिए आपको बताते हैं कैसे 80,000 रुपए तक इनको मिल सकता है। सुबह देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं डिडक्शन की। जो गाइस, डिडक्शन होता है इनका, देखिए यहाँ प्रोविडेंट फंड दिखा रहा है, जिसको एनपीएस बोलते हैं, इसमें 12% तक बेसिक सैलरी जो होता है उसके हिसाब से कट जाता है, लगभग 9,600 रुपए। और जो इनकम टैक्स होता है, देखिए बेस्ड ऑन इनकम जो इनकम है उसके हिसाब से यहाँ कटेगा, 5,000 रुपए तक कट सकता है आपका मंथली। और जो देखिए यहाँ प्रोफेशनल टैक्स होता है, प्रोफेशनल टैक्स 200 रुपए कटता है। प्रोफेशनल टैक्स क्या होता है, हम लास्ट में आपको वीडियो बता देंगे। और इन हैंड कैलकुलेशन अगर हम बताएं आपको कितना इनको मिल सकता है, तो देखिए जो टोटल है कितना इनका कट रहा है, जैसे 9,600 यहाँ मैंने एनपीएस बताया, उसका देखिए इनकम टैक्स बताया 5,000 रुपए, और देखिए प्रोफेशनल 200 रुपए, तो मिला 14,800 रुपए इनका कट जाता है। और यहाँ देखिए जो ग्रॉस सैलरी थी, इतना मैंने आपको शुरू में बताया था 80,000 रुपए के करीब है, और तो इनका कुल मिला 80,000 में देखिए 14,800 माइनस कर दे रहे हैं 65,200, नॉर्मली इनको आराम सैलरी मिल जाती है स्टेशन मास्टर की। सो गाइस, इनका बेसिक पे मैंने पहले आपको बता चुका हूँ मैं। सुबह देखिए, उसके बाद हम आते हैं चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, इनकी जो ग्रॉस सैलरी है 70,000 रुपए करीब दिखाई जा रही है। और देखिए जो इनका एनपीएस है, जो लगभग 12% का भी कटता है, यहाँ 8,400 कट जाता है। और देखिए जो इनकम टैक्स है इनका, यहाँ 4,500 कट जाता है। प्रोफेशनल जो टैक्स इनका भी 200 रुपए ही कटता है। तो इन जो टोटल सैलरी अगर हम इनको टोटल करें, तो यहाँ देखिए 13,100 रुपए यहाँ डिडक्शन मतलब कट जाता है। और यहाँ 70,000 में 13,100 रुपए निकाल दें, 56,900 रुपए यहाँ पे बनता है। तो बिल्कुल इसी प्रकार से हम आपको एक बार शॉर्ट बता देते हैं, जो गुड्स एंड ट्रेड मैनेजर, इनका 65,000 ग्रॉस सैलरी है। और इनका कट पिट करके यहाँ देखिए, अगर देखा जाए तो आपको देखिए यहाँ दिखा रहा होगा, कुल में 53,000 रुपए तक आ जाता है। सुबह जब भी आप बोलेंगे कि हम तो यहाँ जो हमारा थंबनेल शो करा था, जो हमारा थंबनेल है उसमें हम यहाँ पे आपको दिखा कि 1 लाख सैलरी। सुबह यहाँ पे 1 लाख सैलरी कैसे, उसके बारे में हम आपको आगे बता रहे हैं, पहले आप वेट करिए, हम यहाँ शॉर्ट में आपको पहले बार बता दे रहे हैं नॉर्मली किसको कितनी सैलरी मिल सकती है। सुबह देखे चौथे नंबर पे सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, सो गाइस इनका जो सैलरी 50,000 है, इनका कट पिट करके बिल्कुल उसी प्रकार से कटता है जिससे मैंने ऊपर आपको बताया है, इनका पूरा कट पिट करके यहाँ देखिए 40,800 रुपए के करीब बनता है। सो गाइस बिल्कुल इसी प्रकार से जूनियर अकाउंटेंट, यहाँ देखिए जो असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है, इनका 35,000 रुपए यहाँ पे सैलरी है, जो ग्रॉस सैलरी है। सो गाइस इनका जो कट पिट करके यदि हम आपको बताएं तो कितना बनता है, सो गाइस इनका जो पूरा कटने के बाद यहाँ जो इनकी सीनियर सैलरी है, यहाँ पे हम 35,000 में अगर इनका यहाँ पे देखिए 5,900 माइनस कर दें, तो 29,100 रुपए बन जाता है। सुबह देखिए, सबसे पहले हम प्रोविडेंट फंड या एनपीएस जो है, ये हम आपको बता दें जो बेसिक सैलरी होती है, ये इस पर थोड़ा वैरी करता है, मतलब कम ज्यादा होता रहता है। तो इसमें हम एक यहाँ जो
अप्रोक्स उसको आपको बता दिए हैं। और चलिए हम आपको बताते हैं कि इसमें जो यूजुअली टैक्स वो भी अमाउंट फिक्स नहीं होता है। अमाउंट जो है टैक्स अमाउंट का होता है आपकी जो सैलरी होती है, जैसे आप सैलरी कम ज्यादा होती रहती है उस हिसाब से कटता रहता है, लेकिन लगभग लगभग इतनी सैलरी आपको नॉर्मली मिल जाती है। और हम बात करते हैं कि ओवर टाइम मिलाकर किसको कितना मिल सकता है। सुबह चलिए हम ओवर टाइम वाला जो पेज है आप उसको ओपन करते हैं और आपको बताते हैं कि ओवर टाइम किसको कितना मिल सकता है। सुबह सिंपली सबसे ऊपर आते हैं और दिखाते हैं कि ओवर टाइम किसको सबसे ज्यादा मिलता है। सुबह सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेशन मास्टर के। सुबह जो स्टेशन मास्टर है इनका जो शेड्यूल होता है काफी बिजी होता है, काफी ज्यादा वर्कलोड होता है, तो इनको इनके सैलरी के हिसाब से उसी में पूरा यहाँ मार्जिनल जो होता है उसको ऐड करके दे दिया जाता है। जैसे मैंने आपको शुरू बताया था कि इनका 80,000 के करीब जो सैलरी बन जाती है, जबकि इनका और जो यहाँ पे टिकट का सुपरवाइजर है उनकी जो बेसिक पे बराबर है, लेकिन इनका 80,000 करीब बनता है जबकि उसका 70,000 के करीब ही बनता है, क्योंकि इनको यहाँ इसी में लगभग ऐड करके दे दिया जाता है, तो इनको एक्स्ट्रा ओवर टाइम यहाँ पे ज्यादा नहीं मिल पाता है। तो चलिए हम बात करते हैं इसके बाद यहाँ जो सेकंड नंबर पे चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। सो गाइस इनका भी जो है इतना ज्यादा ओवर टाइम नहीं मिलता, फिर भी इनको मिलता है जब इनको ओवर टाइम जैसे वीकेंड वगैरह है, जैसे इनके जो हॉलीडे वगैरह है उसमें यदि एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं उसके लिए यहाँ पे इनको 1 से 1.5 गुना सैलरी मिलती है। सो गाइस हम पहले आपको बता देते हैं किसको यहाँ पे ओवर टाइम मिलता है, उसका बताते हैं पूरा कैलकुलेट करके कि ओवर टाइम कितना मिल सकता है। सो गाइस देखिए जो गुड्स एंड ट्रेड मैनेजर है गाइस सब ज्यादा इनको यहाँ पे मिलता है ओवर टाइम, क्योंकि इनका जो शेड्यूल होता है इरेगुलर होता है, जैसे कि हम दिखा रहा है इरेगुलर होता है, और जैसे यहाँ शिफ्ट नाइट शिफ्ट भी हो जाती है, वीकेंड भी हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि इनका जो ओवर टाइम है एक्स्ट्रा बन जाता है, ये 1.5 से 2 गुना उनका जो ओवर टाइम है बनता रहता है, और इस हिसाब से इनकी सैलरी सबसे ज्यादा फाइनली बन जाती है। सो गाइस इनकी जो फाइनली सैलरी कितनी बनती है चलिए हम लास्ट में आपको बता देंगे, लगभग 1 लाख के करीब पहुंचते हैं, और कैसे पहुंचते हैं इसके बारे में हम भी आपको पूरा कैलकुलेशन करके दिखाने वाले हैं। सो गाइस फाइनली हम जो नीचे आते हैं सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इनका जो ओवर टाइम होता है, सो गाइस इनका भी जो क्लर्क पोजीशन है इसी हिसाब से इनका भी जो यहाँ पे क्या कहते हैं ओवर टाइम है बहुत ज्यादा नहीं बन पाता है, फिर भी इनका ओवर टाइम बनता है। तो चलिए हम फाइनली बात करते हैं जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सो गाइस इनका भी एडिशनल हावर के हिसाब से ओवर टाइम बन जाता है। तो चलिए हम बताते हैं कि इनका ओवर टाइम किसके कितना बनता है, 1.5 गुना जैसे बनता है, तो जनरल कैलकुलेशन के जरिए हम बात करते हैं। सो गाइस जो ओवर टाइम पे यहाँ है ये हावरली हिसाब से बनता है। सो गाइस जो फाइनली ओवर टाइम का रूल है, देखिए यहाँ ग्रॉस मंथली सैलरी से किसी का सैलरी 50,000 रुपए है, वो हफ्ते में 48 घंटे काम करता है, उस हिसाब से देखिए उसकी जो सैलरी है यहाँ पे 208 घंटे मतलब मंथली बन जाते हैं 50,000 के हिसाब से, और 240.38 पर हावर बनते हैं, मतलब 1 घंटे में 240 रुपए करीब उसका बनता है। तो जो उसका ओवर टाइम रूल है वो उसको 1.5 टाइम्स ज्यादा मिलेगा, मतलब 1.5 गुना ज्यादा उसको यहाँ पे ओवर टाइम मिलेगा। उस हिसाब से देखा जाए तो 240 को अगर हम 1.5 से इंटू कर देते हैं तो 360 रुपए यहाँ पर हावर से आपको एक्स्ट्रा ओवर टाइम यहाँ पे मिल जाते हैं, मतलब कोई यदि 1 घंटे ज्यादा काम करता है तो उसको यहाँ पे 360 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। इस हिसाब से यदि कोई भी यहाँ पे सर्विसमैन है यदि उसका 10 घंटे ओवर टाइम बनता है तो उसका लगभग 3600 रुपए बन जाता है, मतलब यदि आप हफ्ते में 10 घंटे एक्स्ट्रा कर लेते हैं तो आपको 3600 रुपए बन जाते हैं, और इसी प्रकार से यदि आप यहाँ पे 100 घंटे एक्स्ट्रा मंथली कर लेते हैं तो आपको 36,000 नॉर्मली आराम से बन जाते हैं। और जो इसकी सैलरी अगर 50,000 रुपए इसमें 36,000 रुपए और जोड़ दिया जाए 100 घंटे के हिसाब से, उस हिसाब देखा जाए तो 86,000 करीब जो सैलरी वो बन जाती है। सुबह जहाँ नॉर्मली जो 100 घंटे वो आराम जो यहाँ गुड्स एंड ट्रेड मैनेजर होते हैं उनका हो ही जाता है, क्योंकि यहाँ पे इनकी जो ड्यूटी होती है इनका जो शेड्यूल होता है इरेगुलर होता है, डेली 8 घंटे होते हैं, और यदि आप डेली 3-4 घंटे एक्स्ट्रा कर रहे हैं, अगर नॉर्मली 3-4 घंटे में 3 ही घंटे एक्स्ट्रा मान लिया जाए तो महीने में 90-100 घंटे करीब वो पहुंच जाते हैं, उस हिसाब से यहाँ पे 36-37,000 रुपए उनको नॉर्मली आराम से एक्स्ट्रा बन जाते हैं। सो गाइस इसी प्रकार से यहाँ पे जो इनकी सैलरी है लगभग 80-90,000 रुपए नॉर्मली आराम से बन जाती है। गाइस जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपको लास्ट में बता देंगे किस हिसाब से जो यहाँ पे सैलरी है ओवर टाइम कैसे बनते हैं। सो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा जो ओवर टाइम रूल होता है वो कैसे और किस हिसाब से बनता है। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और ऐसी अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए फ्रेंड्स हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।